ये देखिए, ये है मेहनत का फल। हालांकि शायद बारिश के कारण सब कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, बट हमने इन सब के लिए इस टर्म के रिजल्ट के हिसाब से तैयार किया। देखो देखो, बाकी लोग भी देखो। सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, आई नाउ इनवाइट फ्यू ऑफ आवर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब जो अपने स्टूडेंट्स अभी साथ में हैं, जो टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, मुझे ये देखना है कि आपको खुशी कितनी मिलती है या आप कितने खुश हो सकते हैं। मतलब भाई, विजुअलाइजिंग योर सेल्फ इन द फेस ऑफ दीज स्टूडेंट्स हु वेर जस्ट फ्यू मंथ्स बैक इन योर प्लेस। ऑब्वियसली एज यू नो कि हो सकता है, अपने ऐसे बोलते हैं ना, इंजीनियर बन गया, ऐसे ही बन गया होगा, एमबीए ऐसे ही बन गया होगा ये, लेकिन सीए वाला डिग्री जो है ये ऐसे ही नहीं मिलता है। ये मतलब आप बहुत पढ़े हैं तभी ये मिला है, मतलब ऐसी कोई सीए तो नहीं बनता, ये बात मानना पड़ेगा। हाँ, ये बात जरूर होता है यहाँ पर कि जैसे एमबीए में ना एक परत होती है, कई बार परत मतलब वो दिखावाबाजी में, शो ऑफ में निकाल लेगा। सीए बेचारा डल डल सा बैठा रहता है, बट अंदर उसके क्रोधे हो गए ना, तो वो असली रूप दिखाएगा कि मैं क्या हूं, ऐसे सीए थोड़ी बना, मेरे को मत छेड़ो। चलिए, जो सफर है 5 ईयर्स का, कहीं ना कहीं जिस तरह से, जिस जोश से ज्वाइन किए होते हैं, वो 5 साल में आके एक बार जोश तो ठंडा हो जाता है। तो उस समय ऐसा हो जाता है कि पहले आप हंसते खेलते थे, अब आप चुपचाप ज्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको लगता है क्यों बोलना है सबके सामने, इतना छोड़ना है यार, अपने सीए हैं, अपने इतना समझ लेंगे। तो एनीवेज, द रिजल्ट इज ऑल विजिबल, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू हु हैव बीन एबल टू कम हियर, गिव योर टाइम, एंड आई एम श्योर कि आप लोग वेरी सून यू आर ऑल गोइंग टू सी द ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, वेरी सून। इट इज अ ट्रू फैक्ट दैट सीए रियली ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ, वेयर यू आर एंड वेयर यू विल बी इन सम डेज और सम मोर टाइम ऑफ योर लाइफ। इट ट्रांसफॉर्म्स, रियली इट ट्रांसफॉर्म्स। आई हैव नेवर सीन एनी सीए हु इज लाइंग, यू कैन से विदाउट एनी गोल्स, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जिंदगी बहुतों की बदली है सीए ने, इसीलिए सीए इतना माना जाता है। एमबीए करके वो खाली बैठा ऐसा हो सकता है, इंजीनियरिंग करके खाली बैठा ऐसा हो सकता है, बट सीए बन के वो बैठ ही नहीं सकता ना, उसको दुनिया वाला ही नहीं बैठने देगा, वो खुद ही नहीं बैठ सकता। दैट्स द क्वालिटी ऑफ बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो लेट्स कॉल अपॉन द फर्स्ट वन। ऐसा कोई ऑर्डर में ऐसा मत सोचिए कि किस वो सेकंड थर्ड फर्स्ट वाला चीज है, मेरे लिए सारे इक्वल है, हम सबके लिए चार्टर्ड चार्टर्ड ही है भैया, वंस अ चार्टर्ड ऑलवेज अ चार्टर्ड, इट्स लाइक दैट। तो जस्ट जो मुझे सामने दिख रहा है, मैं उसका नाम बुला रहा हूं। तो लेट्स कॉल अपॉन, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई नीड लॉर्ड ऑफ योर सपोर्ट। ऐसे ही ये लोग नहीं आएंगे, ऐसे ही नहीं आएंगे। अरे मेहनत लगा, मेहनत 5 साल का मेहनत, वी नीड टू अप्रिशिएट देयर एफर्ट। द फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट कुलदीप गोयल, कुलदीप गोयल। मैन ऑफ द मैच, थैंक यू कुलदीप। You want to say some words? फॉर कुलदीप, आई रिमेम्बर, जितना मुझे इसके बारे में याद है, बहुत अच्छे से याद है। इनफैक्ट ही हैज स्टडीड आईपीसीसी ऑल्सो विथ मी एंड विद एन फाइनल ऑल्सो। इज अ वेरी शाई पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो ये कितना प्रिपेयर्ड है बेचारा, बट इज अ वेरी शाई पर्सन। एंड बोलते हैं ना, जो शाई होता है ना, वो ज्यादा नॉलेजेबल निकलता है, एंड एग्जाम्पल इज दिस पर्सन।
सही बता रहे हैं। आई रिमेम्बर मैंने कभी किसी से चला के बात किया हो, मुझे याद ही नहीं। वो जब इसका ये शाइनेस हट जाएगा ना, फिर दुनिया वाले इसको देखते रहेंगे। एंड प्रोबेबली ही हैज प्रिपेयर्ड समथिंग फॉर अस, ही विल शेयर हिज एक्सपीरियंस डाउन द जर्नी। ही वॉज ऑलवेज वेरी काम पर्सन। कभी इसके मुंह से मैंने कभी ये भी नहीं सुना कि किसी को चिल्ला के बोला होगा। घर में बोलता है क्या, मुझे मालूम नहीं। तो एकदम आराम से रहना, पढ़ना, आना, चला जाना, कोई तकलीफ हो तो भी नहीं बताना, सह लेना। दैट्स हिज क्वालिटी, सह लेना एंड देन जवाब देना दुनिया वालों को। ट्रॉफी लेके जवाब दे दिया भाई, हम जो हैं, बाकी आप रहिए। थैंक यू। So thank you for this honor, and I will also like to thank you because sir, आपने अभी तक हम लोग को जितना भी पढ़ाया है वो बहुत काम है, and this is all because of you. And so first of all, आपके जितने भी techniques, आपने यहाँ जो भी concepts हमें दिया, that was awesome, because आपके concepts exam में बहुत ज़्यादा काम आए हैं. Secondly, आपका एक question solve करने का तरीका कि आप उसे line to line solve करो, वो इवन कोई भी नया क्वेश्चन भी यदि एग्जाम में आया है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका जो टेक्निक है वो इन ऑल पेपर्स मेरे लिए बहुत काम आया. आंसर लाइक दैट वाज मेरे को लाइक वो बहुत ज्यादा काम आया. आंसर सर थैंक यू. देन टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू से कि यदि अपने को इफ यू वॉन्ट टू क्वालिफाई, यू नीड टू गेट थ्री थिंग्स इन यू, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, सिंसियरिटी एंड हार्डवर्क and commitment, because without these three things you cannot get success in your life. Even aaj aap kuch bhi karna chaho to aapko ye teen cheez zaruri hai. Sabse pehle aapko apna sincere hona padega. Even aap yadi class karte ho to aapko us classes mein bhi sincere rehna padega. Yadi aap sochoge sincerity in the sense ki aapko sare classes attend karne padenge, classes miss karna is not good. आपको आज आप क्लासेस मिस कर रहे हो, बट आप नेक्स्ट पर अब यदि बाद में व्हेन यू एग्जाम्स विल बी कमिंग यू विल फेस दिस प्रॉब्लम ओनली. तो अभी से आई होप कि यहाँ पर अभी जो भी है सबका ये फर्स्ट या सेकंड ट्यूशन है होगा, तो इट्स अभी से आप सारे क्लासेस करो. एंड इवन यदि कोई भी रीजन से आपका क्लास मिस होता है तो आपको उसका बैकअप अभी तुरंत देना पड़ेगा. यदि ट्यूशन खत्म हो गया उसके बाद यदि आप सोचोगे कि आप उसका बैकअप ले पाओगे या उस क्लास को आप कर पाओगे तो इट्स नेवर पॉसिबल. वो जो क्लास मिस हो गया वो क्लास मिस हो जाएगा एंड दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. आप वो जो आपको जो 3 महीना मिलेगा आपका पढ़ने के लिए, उस टाइम आप सिर्फ वो क्लासेस को फ्रेंड से लेने में लग जाओगे, बट आपको जो उस टाइम में आपको जो करना चाहिए वो आप नहीं कर पाएंगे. So, never miss a class. Then secondly, you should have like आपका commitment होना चाहिए. आज से आपको जिस दिन आपको CA बनना है आपको वो date final करनी होगी आज, तभी आप बन पाओगे, वरना नहीं. आप उस date को कहीं भी big board में या कोई भी बड़ा chart paper में आज से आप लिख के रखिए, वरना जब तक आपका कोई भी चीज documented होगा तभी आप उस चीज को achieve कर पाओगे. वरना यदि आपको एक goal set करना पड़ेगा कि हाँ मुझे इस day पे CA बनना है, अपने नाम के आगे वो 2 लेटर लगाना है, एंड तभी आप कर पाएंगे. एंड कुछ भी हो आप सिर्फ वो दिन आपको कुछ भी हो आप सिर्फ वो दिन को याद रखिए जिस दिन आपका रिजल्ट्स निकलेगा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे और आपके मम्मी पापा या आपके फैमिली मेंबर्स की जो खुशी होगी आप उसको रिमेंबर करके अपना प्रिपरेशन कीजिए, तब आप जरूर सक्सेस पा पाएंगे. आंसर थैंक यू. So as you could see how CA has transformed Kuldeep, first of all I was just wondering ye kitna bol pa raha hai bechara. But jo baat bola na hum log marwadi mein bolte hain maat ki baat samjhe hain, matlab iska koi tod hi nahi hai. Jo baat bol diya that is the perfect thing. Until and unless the things are documented it is very difficult to achieve. And
कोई भी चीज को, जैसे मैंने वो एक कंप्लीट नहीं किया था अभी कि व्हाट मोटिवेट्स, जैसे सर ने बताया कि डीप ब्रीदिंग मोटिवेट्स हम, ठीक है, तो वो डीप ब्रीदिंग तो कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। सर डीप ब्रीदिंग कितना देर इंसान करेगा, बट व्हाट एक्चुअली इज मोर अट्रैक्टिव, तो वो बताते थे कि आफ्टर अ लॉट ऑफ टायर्ड एफर्ट आई स्टार्ट विजुअलाइजिंग ड्यूरिंग माई टायर्डनेस द हैप्पीनेस that will be visible as a as an outcome of that tiring effort. जैसे सर बोलते थे कि मैं ये सोचता हूं कि मुझे आज क्लास खत्म करने के बाद घर जाके मूवी देखने जाना है या जिम करना है या मुझे अपने फैमिली के साथ समय बिताना है, तो वो कितने खुश होंगे उसको विजुअलाइज करता था और ऐसा समझता था कि वो मेरा डेस्टिनेशन है और मैं उसके लिए वॉक कर रहा हूं, उसके लिए मुझे जाना ही जाना है। एंड यू नो व्हाट, यू हैव बीन सीइंग इन फेसबुक माय पोस्ट आल्सो, लाइक आई हैड बीन आल्सो वर्किंग वेरी हार्ड दिस डेज फ्रॉम मॉर्निंग 6:30 टू रात को यहाँ 12-12 बज जा रहे थे, बट नेक्स्ट डे आल्सो अगेन फुल रिचार्ज्ड। कैसे पॉसिबल होता था, यू नो द सेम मोटिवेशन, कि आप जब कोई चीज को करके जब रिजल्ट पाते हो तो उस रिजल्ट किसको देना चाहते हो, वो रिजल्ट को उनको अभी इमेजिन करो और उनकी खुशियों को इमेजिन करो, तो आपको आपका थकान महसूस ही नहीं होगा। दैट्स अ फैक्ट, यू विल नेवर एवर गेट टायर्ड। आप सुबह उठ के पागल की तरह, पर दुनिया वाले बोलेंगे कि क्या कर रहा है, कैसे सक रहा है, तो कुछ खा ले बेटा, कुछ तो कर ले। नहीं, मेरे को थकान महसूस ही नहीं हो रहा है, मेरे को जो करके देना है उसकी खुशी इतनी ज्यादा है। वो खुशी सबसे ज्यादा आपके पेरेंट्स को नंबर वन मिलती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देन देयर माइट बी योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। ऑब्वियसली टीचर्स के लिए बहुत सारे रहते हैं तो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है, बट वन डायरेक्ट बेनिफिशियरी इज योर पेरेंट्स। उनकी खुशी को आप इमेजिन करोगे ना, जैसे मेरे लिए अभी क्या होता है कि मैं घर जाता हूँ ना तो सबसे ज्यादा मेरा बेटा आके पापा ऐसे करके पकड़ लेते हैं दौड़ के आके, तो वो खुशी के लिए लगता है कि यार जो कुछ भी करेंगे इसके लिए, जो कुछ भी करेंगे। वो खुशी जिसको आप देना चाहते हो उसका अगर विजुअलाइजेशन हर समय आपके दिमाग में है तो काम बनता है यार, काम बनता है। एंड थैंक यू कुलदीप फॉर शेयरिंग दिस। देखो भाई, क्लैपिंग कुछ लोग नहीं कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना कि कुछ दिन बाद आप यहां होंगे और आपके कोई जूनियर वहां होंगे तो आपके लिए कोई क्लैप नहीं करेगा, तो उस समय यहां पे बीतेगा। तो जो नहीं कर रहे हैं वापस रिटर्न होके आएगा आपके पास कि आप भी सीए बने, कोई क्लैप नहीं कर रहा है, कोई क्लैप नहीं कर रहा, तो बन गया तो हम क्या करें, हाँ हम क्या करें, हम क्यों करें क्लैपिंग।